हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिजी लॉकर ऐप के बारे में। ये ऐप इंडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है एंड इसको डिजिटल इंडिया कैंपेन के अकॉर्डिंग लॉन्च किया गया है। इसमें आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली सेव कर सकते हैं जो कि वेरीफाइड रहेंगे और ऑथराइज्ड रहेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा के इसको, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, बेल बटन को दबाइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिजी लॉकर ऐप को खोलने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पेज खुल के आ जाएगा डैशबोर्ड करके। जैसे डैशबोर्ड आएगा, इसमें आपको पहले लॉगिन करना होगा। जैसे मैंने अभी लॉगिन कर रखा है, मेरा भी इसमें लॉगिन है, इसमें मेरा प्रोफाइल भी है। तो आपको इसमें पहले अपना लॉगिन करना होगा, अपना रजिस्टर करना होगा। उसके लिए आपको अपने आधार कार्ड से इसको लिंक करना पड़ेगा। जैसे आप अपने आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, उसके बाद आपके ये डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड के सामने जैसे सब कुछ आ जाएगा, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, पैन कार्ड, कुछ भी आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें जाके एक्सेस कर सकते हैं और डिजिटली वेरीफाइड करवा के आप अपने इशूड कॉलम में रख सकते हैं। जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे इशू हुए हैं, आधार कार्ड, LPG सब्सक्रिप्शन वाउचर, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये लीगली ऑथराइज्ड हैं। जैसे मैं अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स को खोलता हूँ, ये मेरी गाड़ी की RC आ जाएगी। मैं इसको कहीं पे भी ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकता हूँ और ये वेरीफाइड है, डिजिटल लॉकर वेरीफाइड है और ये ऑथराइज्ड है। इसको उनको मानना पड़ेगा, चाहे मेरे पास हार्ड कॉपी ना हो, वो इसको मानना पड़ेगा सॉफ्ट कॉपी को, क्योंकि ये रोडवे मिनिस्ट्री से ऑथराइज्ड है। और इसको लागू, इसके बाद जैसे पैन रिकॉर्ड है, पैन रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा पैन रिकॉर्ड आ जाएगा। ये भी मेरा डिजी लॉकर वेरीफाइड है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये वेरीफाइड हो करके मुझे इशू हुआ है। तो इसलिए आप अपने सारे अपने सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटली सेव कर सकते हैं आप इस इशूड में जाके। इससे पहले आपको, जैसे मान लीजिए अगर आपको पैन कार्ड का अपना डिजिटल आपको वेरीफाइड करवाना है तो आपको पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड पहले है, आपने वेरीफाई कर रखा है, तो आधार कार्ड से आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों आ जाएंगे। उसके बाद आपको अपना इसमें पैन कार्ड नंबर डालना होगा और उसमें नेम, जो आपका पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड पे आपका नेम है वो डालना होगा। इस चेक बॉक्स को चेक करना होगा और गेट डॉक्यूमेंट को प्रेस करना होगा। जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे प्रेस करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपको डिजिटली आपको मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा, जैसे आपको दिखाया मैंने, इशूड में आ जाएगा। इशूड में जैसे ये मुझे पैन कार्ड का मिला हुआ है, ये ऐसे ही आपको सेम मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आप इसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली सेव कीजिए, जो कि फ्यूचर में आपके बहुत काम आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए रेडी रहिए।